नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आपको पता है कि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो रहा है और कुछ स्क्रिप्ट में काफ़ी अच्छा तेज़ी का रुझान हो रहा है, तो काफ़ी स्क्रिप्ट डाउन हो रहे हैं। कुछ स्टॉक लगातार 52 वीक हाई बना रहे हैं और लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं दो स्टॉक के ऊपर बात करूंगा, जिसमें ब्रोकरेज का रिपोर्ट एक स्टॉक के ऊपर आया है, दूसरा स्टॉक जो मैंने रेकमेंड किया था लास्ट वीक में। और अगर आप मेरे चैनल में पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि ये स्टॉक हम 277 रुपीज़ के आसपास, जब वीकली चार्ट के ऊपर दोस्तों ब्रेकआउट आया था यानी ट्रांसमिशन में, तब हमने ये स्टॉक को रेकमेंड किया था और आपको बहुत ही अच्छा ड्रीम रन मिला है। और जब भी लास्ट वीक में मैंने आपको बोला था कि ये वीकली चार्ट के ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल था उसमें ब्रेकआउट आया और वीकली चार्ट के ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग हुई, तब भी मैंने आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म किया था। और ये एक वीक के अंदर ही आपको 150 रुपीज़ का अच्छा मूवमेंट मिला है दोस्तों। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये 1000 रुपीज़ टच कर सकता है, आज अपर सर्किट हुआ है क्योंकि इन्होंने एक्वाइजेशन किया है अदानी ट्रांसमिशन ने, उसके न्यूज़ के ऊपर ये 10% बढ़ चुका है दोस्तों। और ये स्टॉक आने वाले टाइम में आपके पोर्टफोलियो में क्यों अच्छा रिटर्न दे सकता है उसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया था, जो आप ये इस वीडियो ख़त्म होने के बाद एंड स्क्रीन में आपको मिलेगा दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भी आपको मिलेगा, जरूर वो वीडियो देखना। और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह दे तो इसको आपको पोर्टफोलियो में रख लो क्योंकि बहुत अच्छा रिटर्न आने वाले टाइम में दे सकता है। अब दूसरे स्टॉक की बात करते हैं, IEX। आपको पता है IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज मोनोपोली बिजनेस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है और गवर्नमेंट जब से प्राइवेटाइजेशन कर रही है PSU का, उससे पहले से ही ये स्टॉक तो बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न दे चुका है। इसका भी मैंने पूरा एनालिसिस आपको लॉन्ग टर्म का बोला था कि ये स्टॉक पोर्टफोलियो में क्यों रखना चाहिए, उसका भी वीडियो आपको नीचे मिल जाएगा। बट आज क्यों डिस्कस करना है उसके बारे में बात करूंगा दोस्तों आपके लिए। आज इसलिए डिस्कस करना है कि UBS का रिपोर्ट आया है दोस्तों ऑन IEX की री रेटिंग लाइकली सस्टेनेबल होगा और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल है इस स्टॉक के अंदर। उनका जो प्रीवियस टारगेट था वो 300 रुपीज़ था और नया टारगेट है 430 रुपीज़ का। उनका ये बोलना है कि रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेशन जो ट्रेंड है रिजर्वेशन का, वो इसमें प्राइजिंग नहीं है, तो आने वाले टाइम में इसमें और भी इजाफा हो सकता है और इसमें EPS में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। मैंने आपको बताया था कि ये पावर ट्रेडिंग में मोनोपोली बिजनेस कर रही है और ये स्टॉक हम 220 रुपीज़ के आसपास से रेकमेंड कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म PSU स्टॉक में, और उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोनों स्टॉक बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है हमें और आने वाले टाइम में भी देने की क्षमता रखते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाया गया है। अगर आपके वित्तीय सलाहकार सलाह देते हैं तो आप इसमें निवेश करें और बहुत ही अच्छा मुनाफा बनाएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।